नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आपका अपने इस YouTube चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की जो वीडियो है उसके लिए कोई ऐसा ख़ास टॉपिक नहीं था मेरे पास, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने WhatsApp पे मेरे से रिक्वेस्ट करा कि YouTube पे कोई वीडियो डालें, और शायद वीडियो डाले हुए काफ़ी टाइम भी हो गया है और टॉपिक भी कुछ ख़ास नहीं था। फिर भी मैंने कहा चलो जब हमारे सब्सक्राइबर्स के डिमांड आ रही है कि यूट्यूब पे वीडियो डाली जाए, तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो अभी जैसे आप देख सक रहे हैं कि मुर्गियों को मैंने खुला छोड़ रखा है, बाकी इसके अंदर रहते हैं। और शाम का टाइम है, अभी मैं भी ड्यूटी से आया हूँ थोड़ी देर पहले, तो इस टाइम पर मैं इनको अक्सर बाहर खोल देता हूँ, है ना। और फ़िलहाल जो घर की बची हुई रोटियां थी वो मैंने यहाँ तोड़ कर डाल दी है, बाकी ताज़ा पानी वहाँ पे मैंने भर दिया है जिसको कि मुर्गियाँ भी पी रही है ना। तो इसके अलावा जो नई अपडेशन है वो ये है कि फ़िलहाल हमारे पास जो है एक मुर्गा और चार मुर्गी बच गई है अभी। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं चूज़े डालने वाला हूँ, लेकिन किसी वजह से अभी ये पूरे बिके नहीं है। पीछे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि दो मुर्गियाँ हमारी मर गई थी, उसके अलावा अभी एक डेढ़ हफ्ता पहले एक मुर्गी हमारी बिक गई है। और उसके अलावा जो एक असील मुर्गी मैं लेकर आया था उसको खड़े होने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो ज़्यादा केयर उसके लिए चाहिए थी, इस करके वो भी मैंने किसी और को दे दी, क्योंकि मेरे को भी ठीक से पूरा टाइम नहीं लगता है ना, क्योंकि ड्यूटी में रहता हूँ, फिर शाम को थोड़ा टाइम लगता है, सुबह थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो उसको थोड़ी केयर चाहिए थी, इस करके उसको मेरे को देना पड़ा। और उसके अलावा फ़िलहाल हम ये सोच रहे हैं कि इन मुर्गियों को जल्द से जल्द हम बेच करके चूज़े डालेंगे, क्योंकि बड़ों के साथ छोटों को मैं नहीं डाल सकता, या फिर मेरे को पार्टीशन बनाना पड़ेगा बीच में से, ताकि चूज़े भी रह सके और हमारी जो बड़ी मुर्गियां हैं वो भी रह सके। उसके अलावा ये है कि गर्मी काफ़ी हो रही है, तो बेहतर होगा जो लोग शहर में हैं, जो कि अगर नहीं खोल पाते अपनी मुर्गियों को, तो अगर हो सके तो शाम को इस टाइम जब थोड़ा धूप डल जाए, ठंडक सी हो जाए, तो उस टाइम पे आप अपने मुर्गियों को खुला छोड़ सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो मैंने इनको ऊपर अभी थोड़ा पानी छिड़का है ना, जब मुर्गियों को मैंने खुला छोड़ा तो छत में मैंने पानी छोड़ा, उसके साथ साथ मुर्गियों के ऊपर भी हल्का हल्का पानी मैंने छीट दिया, उससे भी इनके जो शरीर है उसमें थोड़ी ठंडक आ जाती है। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो अच्छे तरीके से खुल्ला डुल्ला घूम फिर रही है, हवा हल्की हवा भी है तो उससे भी काफ़ी इनको फ़र्क पड़ रहा है ना, क्योंकि अंदर बंद बंद में काफ़ी गर्माहट रहती है, और दिन में जैसे कि हमें ये पर्दा भी लगा कर रखना पड़ता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ आप जैसे देख सकते हैं जो कंबल है वो, क्योंकि दोपहर में हमें ढकनी पड़ती है क्योंकि धूप इस तरफ से पड़ती है, तो कहीं ना कहीं गर्माहट अंदर बढ़ती है, तो इसलिए अच्छा होगा कि शाम को हम उन्हें खोलें, ताकि वो भी ताज़ी हवा ले सके, ठंडा पानी पी सके, घूम फिर सके। और इससे ये होगा कि आपकी जो मुर्गियां हैं वो खुश रहेगी, अच्छी ग्रोथ रहेगी, है ना, तगड़े रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, कई सारे फ़ायदे हैं इन चीज़ों के। ठीक है, रही अपडेशन अंडों की, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मैंने पिछले अपने कुछ वीडियोस में भी बताया था कि जब भी हम कोई नई मुर्गी ऐड करते हैं अपने ग्रुप में, या फिर कोई मुर्गी हटाते हैं, तो उससे बाकी मुर्गियों पे फ़र्क पड़ता है और जो अंडे हैं वो रुक जाते हैं। तो जब से हमारी वो दो मुर्गियां मरी है, या फिर उसके बाद हमने एक मुर्गी बेची, एक अभी कल परसों में हटाई है ना, तो इस करके भी लगभग डेढ़ दो हफ्ते से ज़्यादा हो गया हमें अंडे नहीं मिल रहे हैं। केवल बीच में पूरे डेढ़ दो हफ्ते में केवल एक अंडा हमें मिला है, तो ये भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, है ना। तो जो लोग शुरुआत से पाल रहे हैं मुर्गी उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, लेकिन जो अभी पालने लगे हैं तो उनके लिए ये नई जानकारी हो सकती है।
ठीक है, फ़िलहाल वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा, और फिर दोबारा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसी रीति से हमारे चैनल को और भी ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए फिर दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।